एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। तो मतलब कि आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आप सबने मेरे 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, उसके लिए सच्ची में थैंक यू। एंड आप ऐसे ही मुझे बस सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आज हमने पढ़ना है अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाइजेशन इन द स्टमक भी करा दिया था, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, सारा कुछ, डाइजेशन फूड का कैसे होता है, माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो सब कुछ मैंने करवा दिया था। तो आज हमने पढ़ना है अब्सॉर्प्शन, और उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक बचेगा डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर ये अब्सॉर्प्शन खत्म हो गया तो मैं डिसऑर्डर्स भी साथ में खत्म करा दूंगी। सबसे पहले अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो अब्सॉर्प्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अब्सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस जिसमें एंड प्रोडक्ट्स डाइजेशन के पास होते हैं थ्रू द इंटरनल मेकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट्स है, जैसे प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गया था अमाइनो एसिड में, ग्लूकोज मतलब कि फैटी एसिड इनके स्टोर, वो सारे जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो पास होते हैं थ्रू द इंटेस्टाइनल मेकोसा, और फिर वो जाते हैं किसमें, ब्लड और लिम्फ में। उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस जिसमें एंड प्रोडक्ट जो हैं डाइजेशन के पास होते हैं इंटरनल इंटेस्टाइनल मेकोसा में इंटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है। एंड ये कैरिड आउट होता है बाय द पैसिव एक्टिव और फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होगा, ये थ्रू होगा पैसिव एक्टिव। तो ये एब्जॉर्प्शन किन किन प्रोसेस के थ्रू होती है, ये होती है थ्रू द पैसिव एक्टिव और फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। और जो स्मॉल अमाउंट्स के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और जो पैसेज है इन सब ट्रांस का, ठीक है, इनटू द ब्लड, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैसा उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हाउएवर कुछ जो सब्सटेंसेस हैं जैसे फ्रक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड्स हो गया, वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर आइंस, जिसको हम जैसे सोडियम हो गया, एंड इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो मतलब कि कुछ जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे फ्रक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, वो स्पेशल कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम आयन, और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एंड जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का, वो किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, इसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, मोनोसेक्राइड्स हो गया, ग्लूकोज जैसे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, वो ब्लड में इसी मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होगा, मतलब कि वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, एंड वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड में, तो इसके लिए वो फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड होता है स्मॉल ड्रॉप में, जिसको बोलते हैं मिसल्स, जो कि बाइल इमल्सिफाई करता है उसको, ठीक है। एंड फिर वो इंटेस्टाइनल मेकोसा में मूव करते हैं, फिर वो दोबारा रिफॉर्म्ड होते हैं स्मॉल प्रोटीन में कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जिसको कहते हैं काइलोमो माइक्रॉन्स, जो फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल्स में। और जो लिम्फ वेसल्स होते हैं अल्टीमेटली रिलीज करती हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस का डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एनसीईआरटी की बुक में एक प्रॉपर टेबल गिवन है, आप भी देख सकते हो, जिसके अंदर हर एक चीज उन्होंने बताया हुआ है कि समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं फाइनली फिर वो टिश्यूज पे पास पहुंचते हैं, जहां पे वो यूटिलाइज करते हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए, और उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टिव वेस्ट जो होगा, मतलब कि वो सॉलिडिफाई होते हैं इनटू द कोहेरेंट फीकस इनटू द रेक्टम, और वो एक न्यूरल रिफ्लक्स करेगा एंड अर्ज करता है डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं डाइजेशन के पास होते हैं, ठीक है, थ्रू द इंटेस्टाइनल मेकोसा और इनटू द ब्लड और लिम्फ। एंड ये किससे कैरिड होता है, ये कैरिड होता है बाय द एक्टिव फैसिलेटेड
पैसिव डिफ्यूजन एंड इसमें जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन, और जो पैसेज है इन सब्सटेंसेस का इनटू द ब्लड उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रक्टोज या अमाइनो एसिड्स हो गया वो सोडियम कैरियर की मदद से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और जो पानी का ट्रांसपोर्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कॉस्मोटिक ग्रेडियंट पे, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट जैसे अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स हो गया या ग्लूकोज हो गया वो इसी मैकेनिज्म से होंगे, देन फैट भी क्योंकि वो इनसॉल्वेबल होते हैं तो वो इमल्सिफाइड होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जिसका हम बोलते हैं एमेसल्स, ठीक है, एंड देन वो ब्लड स्ट्रीम में फिर पास होते हैं, एंड देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, फिर मैंने आपको टेबल दिखाया, एंड फिर जो फाइनली एब्जॉर्प्शन ट्रांसिस है वो पहुंचते हैं टिश्यूज में जहाँ पे वो यूटिलाइज करेगा और उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। फिर उसके बाद हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक बचता है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ना है कि इन्फ्लेमेशन होती है, इंटेस्टाइनल ट्राई के मोस्ट कॉमन है क्योंकि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, तो जो इन्फेक्शन हैं वो पैरासाइट्स या पैरासाइट्स के कारण होती है जो इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे टेप वॉर्म हो गया, ठीक है, या आपके पास राउंड वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म, ठीक है, या हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। तो सबसे पहले आता है जॉन्डिस जो एक डिसऑर्डर है। जॉन्डिस में क्या होता है कि लीवर जो होता है वो अफेक्टेड होता है, स्किन एंड आइज जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो बाइल पिगमेंट मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जब लीवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो फिर उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास जो आइज होते आइज का कलर जो है वो येलो हो जाता है, ठीक है। देन आता है वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, के जो आपका स्टमक में कंटेंट डाइजेशन के लिए गया था वो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बाहर आ गया माउथ के थ्रू, तो वो फिर ये जो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल करता है बाय द वॉमिट सेंटर मेडुला, एंड इससे पहले हमें नौजिया वगैरह वाली फीलिंग होती है, मतलब कि घुटन वगैरह या चक्कर वगैरह आते हैं तो फिर वहाँ से फिर वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग क्या होता है, वॉमिटिंग होता है कि द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, ठीक है, एंड ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल होता है वॉमिट सेंटर तो हमारे पास मेडुला में होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डायरिया। सो डायरिया क्या होता है, डायरिया होता है कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हो गई बाउल मूवमेंट की, या जो आप फीकल डिस्चार्ज करते हो उसमें लिक्विड कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं डायरिया। ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को कम कर देता है। ध्यान आता है कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन में जो फीकल्स होते हैं वो रेक्टम के अंदर ही रहते हैं और जिसके कारण जो हमारी बाउल मूवमेंट्स होती हैं वो इरेगुलरली अकर होती हैं। और लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है इंडाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता एंड वो लेट करता है कि हमें पूरा फुलनेस की फीलिंग है, एंड जो इंडाइजेशन है वो क्या कॉज करते हैं, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, इनएक्सेसिव फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो ये पूरा जो है वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं अभी थोड़ा सा मेन बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। डाइजेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था माउथ। माउथ के बाद आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर होते थे टीथ एंड टंग। टीथ के जो मतलब कि ओरल कैविटी के पास हैं टीथ एंड टंग, और हर एक जो टूथ होता है वो एडेड होता है सॉकेट ऑफ द जॉबोन, जिसको बोलते हैं थीकोडोंट। और मेजॉरिटी बेसिकली ह्यूमन की लाइफ में दो सेट्स होते हैं टीथ के, पहले होते हैं मिल्की एंड डेसिडियस, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट, जो उसको कहते हैं डायफेडोंट। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे मतलब कि डिफरेंट पेयर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे टेरोडोंट एंड सेसर कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। फिर हमने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद पैपिला होते हैं, टीथ बड्स होते हैं, वो सारा पढ़ा। फिर उसके बाद एसोफेगस पढ़ा, वहाँ से फिर स्टमक, तो वहाँ पर क्या होता है फ्लैप, एपिग्लॉइटिस, जो प्रिवेंट करते हैं कि फूड विंड पाइप में ना चला जाए। फिर उसके बाद एसोफेगस जाता है स्टमक में, वहाँ पे होता है मतलब कि स्पिंटर। फिर उसके बाद स्टमक है, हमने डिफरेंट पार्ट्स पर एक कार्डिक फंडक पलियोरिक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी वॉल पड़ी एलिमेंट्री कैनाल की, जिसमें हमने पढ़ा सिरोसा, सब मिकोसा, मस्क्यूलैरिस एंड देन। उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें हमने पढ़ा लीवर, पेंक्रियास
एंड सलेवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ द फूड, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले माउथ की बकल कैविटी। सबसे पहले खाना जो है वो माउथ के अंदर जाता है, वहाँ पे सलेवरी एमाइलेज होते हैं या लाइजोसोम होता है, वो फूड बॉल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्पिंटर होगा, तो वहाँ पे HCL लगेगा, लाइजोसोम लगेगा, सलेवरी एमाइलेज लगेगा, जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सारा इंटेस्टाइन में होगा। वहाँ पे HCL भी है जो इनएक्टिव पेप्टिक सेल्स को एक्टिव फॉर्म में कर देता है, एंड वो फिर क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे पेप्सिनोजन थे, प्रोवेंजन थे, ठीक है, क्राइमाट्रिप्सिन था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज थे, वो सारा पढ़ा, बाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन उसके बाद अभी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद है डिसऑर्डर। तो ये था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो बहुत थोड़े टाइम की थी, क्यों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक्स रह गए थे तो वो मैंने खत्म करा दिए। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आप ऐसे ही आगे सपोर्ट दिखाते रहिए और मेरे ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, एंड ऐसे ही सपोर्ट करना है आपको। और प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।